भी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 10,75,549 रुपए चोरी कर लिए गए। यह कंपनी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के पतरा टोली बाला लॉन्ग में स्थित है। कंपनी के अभिषेक कुमार ने नगड़ी थाने में 29 नवंबर 2021 को चोरी का मामला दर्ज कराया। जांच में जुटी पुलिस करीब 2 महीने तक खाक छानती रही, मगर कोई क्लू नहीं मिला। कंपनी के लोगों से पूछताछ में पता चला कि डिलीवरी बॉय रवि शर्मा को कुछ दिन पहले ही काम से निकाल दिया गया था। पुलिस ने रवि को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, मगर जब कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और सारे राज उगल दिए। पुलिस के सामने जब उसने अपने शातिर दिमाग की कारस्तानी बयां की तो पुलिस दंग रह गई। उसने बताया कि कंपनी में काम के दौरान वो वहाँ की हर चीज को अच्छी तरह से जान चुका था, यहाँ तक कि वहाँ के सीक्रेट कोड भी उसे मालूम थे। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और प्लान तैयार किया। 28 नवंबर की देर रात कंपनी में रखे पैसे चुरा लिए। उन्हीं पैसों से उसने अपने शौक पूरे करने शुरू किए। 3,40,000 में एक कार खरीदी, एक बाइक, महंगा मोबाइल और कई शौक की चीजें खरीद ली। सभी सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उसके बैंक खाते और भारत ऐप को भी फ्रीज कर दिया है। खाते में कुल 2,10,000 रुपए और भारत ऐप में 90,000 रुपए हैं। सुने क्या बोले रांची के रूरल SP मोहम्मद नौशाद आलम। नगरी थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट कंपनी जो है उसका एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक ऑफिस था, उसी ऑफिस में वो लोग पैसा रखते थे अपना। 10,75,549 रुपए की चोरी हो गई थी। इस संदर्भ में नगरी थाना में कांड दर्ज किया गया था। वो कांड संख्या था 196/21। उसमें एक डिलीवरी बॉय था जिसको कंपनी ने उसको हटा दिया था। उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और कुछ डाउट भी था उस पर। उस लड़के का नाम था रवि शर्मा। ये रहने वाले थे नगरी में ही रहते थे, किराए के मकान पर, ये बाहर के रहने वाले हैं। इनको जब डिटेन किया गया तो इसके ग्वालियर बयान के आधार पर इसने बताया, एक्सेप्ट किया कि चूंकि हमको हटा दिया गया था, हमको पूरा आइडिया था कि लॉकर कहाँ है, उसकी चाबी कहाँ है, पैसा का रख रखाव कैसे होता है, और भी कुछ सीक्रेट कोड था वहाँ का, उस तमाम चीज़ों की जानकारी इस बच्चे को थी। तो इसने वो पैसा चुरा लिया था। उस चोरी किए गए पैसे से नगद तो अभी 90,000 रुपये हम लोगों ने नगद उसके पास से बरामद किया है, लेकिन उसने इस बीच में जो टाइम उसको मिला, इस बीच में इसने 3,40,000 रुपये में एक गाड़ी खरीद लिया जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 728 है, झारखंड की है। फिर एक बाइक भी ले लिया, बाइक जो लिया था उसमें 40,000 इसने जमा किया था। और फिर एक एप्पल कंपनी का मोबाइल या डिफरेंट की जरूरियात की जो चीज़ें थी जो ये आवश्यक महसूस करते थे सब परचेज कर। इसने 2,10,000 रुपये HDFC बैंक में जमा कर दिया था, वो भी बैंक खाता को फ्रीज कर दिया गया है। और भारत ऐप करके उसमें भी 90,000 रुपये उसको भी हम लोगों ने जब्त कर दिया। मोबाइल से उसने बहुत सारा काम किया तो मोबाइल भी जब्त किया गया है। कोहराम लाइव के लिए रूपम की रिपोर्ट।